हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पर और स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो को आप लोगों ने ओपन किया है हमारा थंबनेल को देखकर, और हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है रियलमी मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें, पासवर्ड, पैटर्न, पिन। फ्रेंड, अगर आप लोग भी रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करते हो या रियलमी एंड्रॉयड स्मार्टफोन न्यू मार्केट से परचेज करके लेकर आए हो और किसी कारण बस आपका वो रियलमी फ़ोन इस प्रकार पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक या पिन लॉक लग गया है और आप अपने पासवर्ड, पैटर्न, पिन को भूल गए हो, तब जाकर आपका फ़ोन इस प्रकार से लॉक हुआ है और अनलॉक नहीं हो रहा है। फ्रेंड, ऐसे प्रॉब्लम में आप लोग डायरेक्ट 99% व्यक्ति क्या करते हैं, सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हैं और दोनों जगह आपका फ़ोन भी अनलॉक होता है, नो डाउट। लेकिन वो लोग आपसे पैसा लेते हैं, समय लेते हैं, डाटा लेते हैं, आपके फ़ोन के अंदर जितना भी फोटो, ऑडियो, वीडियो है, गाना है, गेम है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, वो टोटल का टोटल डिलीट कर देंगे पैसा और समय लेने के बाद भी। जो भी वर्क वो लोग आपके फ़ोन में करेंगे कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी वर्क होगा आप लोग के सामने होगा ताकि आप लोग सीखिए और कभी भी सर्विस सेंटर मत जाइए। तो फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि आपका रियलमी फ़ोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना डाटा डिलीट किए, बिना पैसा दिए हुए, घर बैठे अगर आप चाहते हो कि आपका रियलमी फ़ोन अनलॉक हो जाए, तो आप इस वीडियो में बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक्टिव मेथड बताएंगे, जिस मेथड को अगर आप लोग भी अपने रियलमी फ़ोन में अप्लाई करते हो तो आपका भी रियलमी फ़ोन अनलॉक होता है, वो भी विदाउट डाटा लॉस होता है। तो आई फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। कभी भी ऐसा अनलॉकिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट करके हमसे हेल्प ले सकते हो। तो सबसे पहले जब आप अपने रियलमी फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे, पैटर्न, पिन, पासवर्ड जो होगा शो करेगा, जैसा कि इस रियलमी फ़ोन में पासवर्ड लॉक है। तो फ्रेंड, आप इस फ़ोन में अपना पैटर्न डालने के अलावा कोई वर्क नहीं कर सकते हो। बार बार पासवर्ड डायल करोगे, रॉन्ग बताएगा, यहाँ पे सेकंड शो करेगा, फिर पासवर्ड ट्राई करोगे, यहाँ पे मिनट शो करेगा। धीरे धीरे आपका फ़ोन कब डेथ हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको इतना कोशिश नहीं करना है। हम सेम सर्विस सेंटर वाला मेथड बताएंगे, लेकिन इसमें हम डाटा रिकवर करेंगे आपका, सर्विस सेंटर वाले डाटा नहीं देते हैं आप लोग को। तो फ्रेंड, आपको इस पासवर्ड वाले पेज में कोई ऑप्शन खोजना है वर्क करने के लिए। ऊपर देखिए, कोई ऑप्शन नहीं, दाएं देखिए कोई ऑप्शन नहीं, बाएं देखिए कोई ऑप्शन नहीं, नीचे आप देखिएगा तो आपको एक इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिख रहा है। इस पेज में फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन यही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे, और जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक कीजिएगा फ्रेंड, तो आपके सामने एक न्यू डायलेट ओपन हो चुका होगा, जैसा कि इस फोन में डायलेट ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड, अब आपको ये जो डायलेट ओपन हुआ है, इस कोड में आपको सिर्फ पहला कोड जो हम देंगे वो कोड होगा गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड, और उसी कोड के मदद से आपका रियलमी फ़ोन अनलॉक भी होगा। तो इस कोड को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, *#8*#8#99 पे क्लिक कीजिएगा। जब आप ये डायलेट पे डायल कीजिएगा, ये 5 अक्षर 3 अक्षर का कोड, तो आपके सामने एक इंजीनियर मूड नाम का पेज ओपन होगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। तो फ्रेंड, आपको बस इसी पेज में बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फ्रेंड, आपको 5वां नंबर ऑप्शन दिख रहा होगा सॉफ्टवेयर वर्जन का, इंजीनियर मूड में 5 नंबर ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एंड्रॉयड वर्जन यहाँ पे रियलमी का क्या दिखा रहा है, 12, तो आपको यहाँ पे 12 टाइम क्लिक करना है। अगर यहाँ पे 13 होता, 13 होता, 14 होता या 10 होता तो हम उतने टाइम क्लिक करते हैं, लेकिन इस फोन का रियलमी एंड्रॉयड वर्जन शो हो रहा है 12, तो हम 12 टाइम क्लिक करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इस पेज से हम वापस चले जाएंगे, जस्ट ऊपर 4 नंबर ऑप्शन मैनुअल टेस्ट आपको दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना। फर्स्ट पेज को कैंसिल करके सेकंड पेज पे आना, डिवाइस डबिंग पे, और सबसे ऊपर में आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड सेलिब्रेशन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करना। ये आपका फ़ोन का सेंसर है और आपका कोई भी एक सेंसर पास आना चाहिए। अब आपके फ़ोन में दो सेंसर शो कर रहा है, आप दोनों को स्टार्ट कर लीजिए। जब ये स्टार्ट होगा येलो कलर का हो जाएगा, और एक पास आना चाहिए, फेल नहीं आना चाहिए। हम जो भी वर्क करेंगे उसमें सिर्फ पास आना चाहिए, फेल नहीं। तो हम ये दोनों सेंसर को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास 3 सेंसर है या 4 सेंसर है या 5 सेंसर है, आप सबको स्टार्ट कर लो, नो डाउट, सबको कर लो, एक पास आना चाहिए। यहाँ पे 2 है तो हम ये दोनों को स्टार्ट करेंगे, येलो कलर का हो चुका है आप देख सकते हो, और एक फेल हो गया भाई, दूसरा भी फेल हो गया। तो ये मेरा वर्क प्रोसेस के अनुसार
कैंसिल हो गया, तो इसको फिर से बैक करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर से स्टार्ट कर देंगे। जब तक पास नहीं आएगा फ्रेंड तब तक छोड़ना नहीं है। तो आप देख सकते हो ऊपर का सेकेंड टाइम में पास आया, नीचे का फेल आया, मेरा वर्क कंप्लीट। अब हम इस पेज से निकल चलेंगे। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो दिखेगा जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कीजिएगा। ग्राफ का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको 10 सेकंड रनिंग करते हुए छोड़ दीजिए। अगर आपके फ़ोन में ये 10 सेकंड रनिंग करता है तो आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल होता है वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाता है। जब लगे कि 10 सेकंड हमारा कंप्लीट हो चुका है आप इसको बैक कर लीजिएगा। सेकंड नंबर ऑप्शन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है और पास लाना है, फेल नहीं आना चाहिए। जहां भी फेल आएगा दोबारा से ट्राई करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे रियलमी फ़ोन में अब डायरेक्ट पास या फेल का ऑप्शन आ चुका होगा, लेकिन यहाँ पे स्टार्ट करने का ऑप्शन है तो हम स्टार्ट करेंगे और पास आने का वेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे फेल, हम जो भी वर्क कर रहे हैं सारा जगह फेल आ रहा है, लेकिन फिर से ट्राई करना है। जब तक पास नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ना है फ्रेंड। पास आ चुका है, अब हम इसको बैक करेंगे। अब हम आपको डाटा रिकवर कैसे किया जाता है ये हम बताएंगे। ये दोनों वर्क इंपॉर्टेंट था और ये तीसरा वर्क भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम आपको फ्री में डाटा रिकवर करके देंगे। जो सर्विस सेंटर वाले आपसे पैसा और समय लेने के बाद भी डाटा रिकवर नहीं करते, हम फ्री में करके देंगे। डाटा डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए, 3 एंगल एक्स वाई जेड नीचे की ओर इंक्रीज कर रहे हैं, इसको इंक्रीज करने दीजिए 30 तक। अगर जिस रियलमी फ़ोन में ये 30 तक इंक्रीज करता है तो आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर होता है, जैसा कि ये आपका डाटा ही रिकवर हो रहा है फ्रेंड, 30 प्लस हो चुका है। अब हम इसको बैक करेंगे, चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे। आपका टोटल वर्क हो चुका है, बस अब वर्क बाकी रह गया अनलॉकिंग का। तो ये सेकेंड नंबर ऑप्शन देख रहे हो लास्ट पेज पे आने के बाद, अदर्स पे सेकेंड नंबर ऑप्शन रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, यहाँ पे क्लिक करना। फर्स्ट टाइम में कैंसिल और ओके का ऑप्शन दिया, कैंसिल करना। सेकेंड टाइम में ये कोड डाल देना फ्रेंड, 987 स्टार हैज, ओके कर लेना ये कोड डालकर। अगर रॉन्ग पासवर्ड आपके ही फ़ोन में शो कर रहा है तो समझिएगा पैटर्न पिन पासवर्ड रीसेट होना स्टार्ट हो चुका है, इसीलिए रॉन्ग पासवर्ड शो किया है। की स्टेटस, की का मतलब चाबी, चाबी का मतलब लॉक। तो ये लॉक का स्टेटस में आपको क्लिक करके चेक करना है पास है या फेल। हम क्लिक करते हैं की स्टेटस पे और आप नेम में जितना भी की देख रहे हो फ्रेंड स्टेटस में एक बार देखिए, सारा पास है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पासवर्ड पैटर्न पिन टूट चुका है, इसीलिए सारा लॉक पास किया। इसको बैक करेंगे, डाटा बेस वर्जन पे वन टाइम क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पास है तो आपका फ़ोन अनलॉक, वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो हम रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे क्लिक किए, पास शो किया, होम बटन पे क्लिक किए और ये रियलमी फ़ोन अनलॉक, वो भी बिना डाटा लॉस। इस फोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है फ्रेंड। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता और ये डाटा भी लगता, लेकिन मैंने पैसा बचाया, समय बचाया, डाटा बचाया और आपके सामने आपका रियलमी फोन अनलॉक किया। तो अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मॉडल नंबर के साथ कमेंट कीजिए, मैं आपका पूरा मदद करूंगा। 10 मिनट के अंदर अपना पासवर्ड पैटर्न पिन को चेंज जरूर कर लेना फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।